आज हम आपके लिए एक ऐसे महान वैष्णव आचार्य की कथा लेकर आए हैं जिन्होंने भगवान के विग्रह को पत्थर समझने वाले लोगों के लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। और हम आपको याद दिला दें कि इस कथा को किसी मानसिक कल्पना से रची गई कहानी समझने की भूल कदापि मत करना, क्योंकि ये एक इतिहास है जिसे श्री चैतन्य चरितामृत, गौर गणोदेश दीपिका, भक्ति रत्नाकर जैसे महान ग्रंथों में लिखा गया है। और ये ऐसे शुद्ध वैष्णव भक्त हैं जिन्होंने 500 वर्ष पूर्व इस धरातल को अपनी उपस्थिति से पवित्र किया है। अगर आज की वीडियो को आप अंत तक देखेंगे और सुनेंगे तो मूर्ति पूजा के विषय में आपकी कई मान्यताएं स्पष्ट हो जाएंगी, और जो नहीं हुई उसे हम फिर कभी करेंगे। तो चलिए अब हम अपने काल चक्र की सैर पर चलते हैं और सीधे उतरते हैं श्रीखंड क्षेत्र में, जो कि वर्तमान समय के पश्चिम बंगाल में वर्धमान कटवा रेलवे लाइन के नज़दीक स्थित है। यहाँ पर मुकुंद दास अपने दो भाई माधव दास और श्री नरहरि सरकार ठाकुर के साथ रहते थे। मुकुंद दास व्यवसाय से तो राजवैद्य थे, लेकिन उनके अंदर भगवान श्री कृष्ण के प्रति इतना शुद्ध प्रेम था कि एक बार जब वे राजा की सेवा में उपस्थित थे और इनका इलाज कर रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने एक मोरपंख देख लिया और मोरपंख देखते ही उन्हें कृष्ण की स्मृति और उनका इतना विरह महसूस हुआ कि वे उसी क्षण मूर्छित हो गए। मुकुंद दास के घर में शक वर्ष 1432 यानी ईस्वी सन 1510 में वसंत पंचमी के दिन एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। उस बालक का नाम था रघुनंदन। इस बालक में बचपन से ही कृष्ण भक्ति के लक्षण दिखाई दे रहे थे। जब रघुनंदन 5 वर्ष के थे तो एक दिन उनके पिता मुकुंद दास को किसी का इलाज करने के लिए बाहर जाना पड़ा। जाने से पहले उन्होंने रघुनंदन को बुलाया और कहा, देखो रघुनंदन, हमारे घर में ये जो गोपीनाथ जी के अर्च विग्रह हैं, उनकी पूजा कई वर्षों से हमारे परिवार में की जा रही है। मेरे पिताजी ने भी की है, मेरे दादा और परदादा ने भी की है। इस प्रकार कई सालों से हम गोपीनाथ जी की आराधना करते आए हैं और गोपीनाथ जी को हम हर रोज भोग लगाते हैं। जिस प्रकार तुम्हारी माता तुम्हें भोजन देती है, उसी प्रकार हम गोपीनाथ जी को भी हर रोज भोग लगाते हैं। आज मुझे किसी काम से बाहर जाना पड़ रहा है, इसलिए ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूँ। मेरी अनुपस्थिति में तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम गोपीनाथ जी को सावधानी पूर्वक भोग अर्पण अवश्य करना। इस प्रकार छोटे से रघुनंदन को गोपीनाथ को खिलाने की सेवा सौंप कर मुकुंद दास बाहर चले गए। अब रघुनंदन ने इस सेवा को बड़े ही गंभीरता से लिया। उन्होंने गोपीनाथ जी के लिए स्वादिष्ट भोग की व्यवस्था की और फिर वे उनको भोग लगाने के लिए गए। अपने पिता की ही तरह सभी विधि का अनुकरण किया, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि गोपीनाथ जी भोग स्वीकार कर ही नहीं रहे। ये देखकर छोटे से रघुनंदन को रोना आ गया और वे बार बार गोपीनाथ को विनती करने लगे, हे गोपीनाथ, कृपया आप भोग ग्रहण कर लीजिए, आप क्यों नहीं ले रहे। इस प्रकार रोते हुए बार बार भगवान को पुकारते हुए रघुनंदन को देखकर करुणा सिंधु श्री कृष्ण अपने आप को कैसे रोक सकते थे। इसलिए गोपीनाथ स्वयं वहां प्रकट हुए और रघुनंदन का लाया हुआ सारा भोग उन्होंने स्वीकार कर लिया। ये देखकर रघुनंदन बड़े प्रसन्न हुए और खाली थाल लेकर चले गए। जब रघुनंदन के पिता मुकुंद दास वापिस घर आए तो उन्होंने अपने पुत्र से प्रसाद मांगा, तो रघुनंदन ने कहा, आपने कहा था गोपीनाथ जी को भोग लगाने के लिए, तो मैंने सारा भोग लगा दिया और गोपीनाथ ने भी सारा भोग ग्रहण कर लिया, तो अब प्रसाद में तो कुछ नहीं है। ये सुनकर मुकुंद दास को अत्यंत आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे कि उनका पुत्र कभी असत्य नहीं बोलता, तो फिर ऐसा क्या हुआ होगा जो रघुनंदन इस प्रकार बोल रहा है। दूसरे दिन इस शंका का निवारण करने के लिए उन्होंने रघुनंदन को बुलाया और गोपीनाथ को भोग लगाने के लिए कहा। इस बार मुकुंद दास विग्रह कक्ष में छिपकर देखने लगे कि अंदर क्या हो रहा है। रघुनंदन पिछले दिन की तरह ही गोपीनाथ के समक्ष भोग लेकर गए और अश्रु पूरित नेत्रों से गोपीनाथ को भोग ग्रहण करने के लिए विनती करने लगे, और गोपीनाथ जी प्रकट हुए और रघुनंदन के हाथ से लड्डू लेकर खाने लगे। ये दृश्य देखकर मुकुंद दास अचंभित रह गए। अभी गोपीनाथ ने सिर्फ आधा ही लड्डू खाया था और रघुनंदन ने देख लिया कि उनके पिताजी भी वहां पर आ गए हैं, और उसी वक्त गोपीनाथ जी वहां से अदृश्य हो गए और उनके हाथ में लड्डू आधा ही रह गया।
इस संपूर्ण दृश्य को देखकर मुकुंद दास की आंखों में हर्ष के अश्रु प्रवाहित होने लगे। अपने सौभाग्य पर गदगद होकर उन्होंने अपने पुत्र को अपनी गोद में उठा लिया। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु ने मुकुंद दास को पूछा, हे मुकुंद, क्या तुम रघुनंदन के पिता हो और वो तुम्हारा पुत्र है, या फिर रघुनंदन तुम्हारे पिता है और तुम उनके पुत्र हो? तब मुकुंद दास ने उत्तर दिया, हे महाप्रभु, रघुनंदन मेरे पिता है और जो कुछ भी कृष्ण भक्ति मुझ में है वो उन्हीं से आई है, इसलिए मैं उन्हें अपना पिता मानता हूँ। मुकुंद दास की बात सुनकर महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने इस बात की शिक्षा दी कि किसी भी व्यक्ति की वरिष्ठता उसकी आयु से नहीं अभी तो उसकी भक्ति की गहराई से समझी जा सकती है। रघुनंदन ठाकुर को बाल्यकाल से ही भगवान के अर्च विग्रह की पूजा करने में रुचि थी और वे अपने गोपीनाथ जी के विग्रह की आराधना करते थे। भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी अप्रतिम आसक्ति और प्रेम को देखकर महाप्रभु ने उन्हें संकीर्तन यज्ञ के एक दिन पहले भगवान के अर्च विग्रह को फूलों की माला पहनाने की और जब यज्ञ खत्म हो तो अंतिम आहुति देने की सेवा प्रदान की थी। रघुनंदन ठाकुर हर वर्ष बंगाल से सभी भक्तों के साथ चातुर्मास के समय जगन्नाथ पुरी जाते थे और वहां भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में नृत्य करते थे। रघुनंदन ठाकुर ने अपने जीवन काल के अंत समय में अपने गौर गोपाल के विग्रह अपने पुत्र कनाई ठाकुर को दिए और श्रावण मास की शुक्ल चतुर्थी को इस भौतिक संसार से उनका तिरोधान हो गया। गौर गणोदेश दीपिका के 70वें श्लोक में बताया गया है कि भगवान विष्णु के चतुर्व्यूह में से जो प्रद्युम्न है वे भगवान श्री कृष्ण की व्रज लीला में भगवान के अंतरंग सखा या प्रिय नर्म सखा के रूप में अवतीर्ण हुए हैं और वही गौर लीला में रघुनंदन बनकर आए हैं। हरे कृष्णा।